नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आप ग्राम काना गई सैया के सरपंच हैं जी। आपके क्षेत्र में विकास कार्य बहुत सारे हुए जी। सीमेंट कांक्रीट हुए, आवास योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला है। कुछ लोग छूट रहे हैं जी, उनके बारे में आप कहें। कुछ छूट रहा है, 2022 तक की स्कीम है गवर्नमेंट, 2000 जो लोग छूटे हैं उनको भी मिलेगी। कुछ शौचालय वगैरह भी नहीं बने हैं? नहीं बने, जो जो लोग पात्रताओं में आ रहे थे उनके तो लगभग बन गए, और जो छूटे होंगे उनको फिर दे देंगे। अच्छा, कुटी के लिए लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरपंच सचिव के ऊपर के 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये मांगते हैं, अगर वो पैसा देंगे। जिन जिन लोगों ने पैसा दिया उन्हीं को ही कुटी मिली। एक आध आदमी एक आध ग्राह यहाँ आके बोले कि हमने इन्होंने डिमांड रखी और उन्होंने मांगा। कुछ लोग तो नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ काम करने वाले बोल रहे हैं हमारे सामने 10,000 रुपये लिए, 15,000 रुपये लिए। जो सोसाइटी से IBT के बगल में से मकान टूट गए थे, उनने मकान टूटने के बाद इसके बाद मकान दिए होंगे। अच्छा, हाँ कोटी बना दी। आप देखोगे तो आप चलोगे, रोड भी डरा है, सब पूरी कोटी है। इधर नहीं मिली। अभी कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ होंगे वहाँ से लेके 40-50-60 लोग। किसी एक को भी नहीं मिली कोटी? हाँ हाँ, दो तीन लोगों को मिली है बस। सिर्फ तीन लोगों को? हाँ, तीन लोगों को। अच्छा, इन लोगों के नाम आए क्या सूची के अंदर? लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम है। नहीं, जिसका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश पाल है, मैं ग्राम खाना से यहीं पर रहता हूँ, उनका निवासी हूँ। कौन सी ग्राम बन जाते? ग्राम पंचायत खाना से। खाना चाहिए। यहाँ पे सरपंच सचिव का नाम क्या है? सरपंच का नाम है राम कृष्ण अहिरवाल, सचिव का नाम है प्रेम नारायण, और सह सचिव का है संतोष मान। नहीं, यहाँ पे सुनने में आया है कि कुटी के नाम पर लोगों से 10-15,000 रुपये लिए जा रहे हैं। लिए जा रहे हैं, जो वो सकल देख देख के कुटी दे रहे हैं, जो कोई पैसा दे रहा है ना उसको कुटी प्रदान की जा रही है। राशन कार्ड 15 साल हो गए इनको राज करते हुए, राशन कार्ड एक भी नहीं बनाए। हम लोग आज से नहीं, कम से कम 8-9 साल से मैं अलग रह रहा हूँ। मैंने 10 बार आवेदन दिए, मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन उस आधार पर बोलने लगे कि तेरे पिताजी की सरकारी नौकरी है, तेरा आधार वो राशन कार्ड नहीं बनेगा। अलग ना सफेद बनाया ना कोई सा। पिताजी से अलग हैं क्या अभी? हाँ अलग हूँ ना मैं पिताजी से, पिताजी यहाँ से दूर रहते हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ। पेंशन मिलती है? पेंशन हाँ मिलती है। सुविधा मिल रही है? और कोई मकान कुटी वगैरह? ये शौचालय मिला था? शौचालय तो बना हुआ है ना आपका, इसका उपयोग करते हो? उपयोग कर रहे हो शौचालय का? ठीक। और कुटी मिली आपको? नहीं मिली, नहीं मिली कुटी, नहीं मिली। नाम आया नहीं यार? बोलने को तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ तो विरोधी होते हैं तो कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, रामेश्वर शर्मा ने आप इस गांव में कुछ लोगों को बसाने के लिए कुछ सहायता दी, या अब उनका क्या योगदान रहा यहाँ पे कुछ मकानों को बनाने के लिए? जो 28 लोगों की सूची बनाई है, 28 लोगों की सूची बना के उन्होंने जो है पंचायत में जगह आवास के लिए अलर्ट कराई के लिए, और वहाँ पे जो है आवास बनवाई हमने लाइन से। हाँ, आवास आपके द्वारा बनाया कि उनके द्वारा बनाया? हितग्राहियों द्वारा बनवाई गई। पैसा शासन, पैसा मतलब शासन ने रामेश्वर शर्मा जी ने दिलवाए पैसे, या फिर पंचायत की तरफ से दिए गए? खाते में गए थे। अच्छा जी, तो ये प्रधानमंत्री आवास वाला ही था या कोई और? प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास। पंचायत क्षेत्र की कुछ रोडें खराब हैं, पंचायत भवन आने के लिए भी रास्ता नहीं है। ये PWD की रोड है, उसका शायद टेंडर भी होगा, आगे कब तक बनाते हैं? आपने इसके लिए क्या प्रयास किए कि लिए? हम लोगों ने आवेदन दिए कि हमारी ये रोड बन पाई जाए। तो कब तक बनने की सुविधा लग रही है कि आपको इस बारिश के पहले बन जाएगा? अब ये तो वो विभाग जाने, वो पहले बनवाते हैं बाद में। नहीं, आपका प्रयास होना चाहिए। प्रयास अपना प्रयास बोलने का ही होता है भैया, जब हमारे लिए तो आज बन जाए तो हम तो जो है हम लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान। तो अभी इसका ठेकेदार कौन है, कौन कर रहा है काम कर रहा है? ठेकेदार की जानकारी?
लॉकडाउन भी खुल गया है, अब आगे क्या योजनाएं बनाने हैं? आगे जैसा गवर्नमेंट का आदेश मिलेगा अभी जैसे नल जल जो नाला सफाई होना है, तालाब का अधिकरण होना है, बारिश को लेकर बारिश का पानी निकल निकास के लिए व्यवस्था हो रहा है, अगर किसी को जिन पर पानी पीना है तो उसके पानी से बचाव के लिए जैसे हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि किसी को बारिश का पानी लगा है फिर भी यहाँ जा दिक्कत नहीं है। अभी अब मनरेगा के तहत अपने यहाँ कोई काम चल रहा है? सार्वजनिक कहाँ गुजरा है? कितने मजदूर लगे होंगे आपके? अभी नहीं लगे, सत्तर नहीं लगा। काम चालू नहीं होगी? चालू का सत्तर नहीं लगा, चालू कर दिया काम को। अच्छा, ये सत्तर में मजदूर नहीं लगा है, बाकी दूसरा कर रही है, नर्सरी का काम चल रहा है जमीन में से। अच्छा, यहाँ पे एक देखने में मामला आया, स्कूल का मामला है, स्कूल के प्रांगण के ऊपर से बहुत से बिजली के तार जा रहे हैं, तो उसकी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती कि या तो उसको कुछ लगा दिया जाए बल्ली वगैरह? क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके जो दे चुके हैं लेकिन लगने दो चार बार बोल चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो सार्वजनिक जो हेडपम्प लगे हुए हैं वो हेडपम्प पर फेल हो चुके हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा, उसके लिए क्या व्यवस्था है? कई जगह पे ये बिगड़े हुए हैं, लेवल नीचे चला गया, नल जल योजना के जो पाइप जा रहे हैं उसको लोग मोटर लगा लेते हैं, पानी सभी घरों में सप्लाई नहीं हो पा रहा। अभी क्या है, ठेकेदार का काम चालू है, उसी का आदमी देख रहा, वो जिस दिन कंप्लीट करके दे देगा उस दिन से फिर पंचायत देखे। ये टंकी जो बनाई है अपन ने बनाई है, बीच पीएचसी ने बनाई, कौन सी जी बड़ी बात? हाँ बड़ी बात, पीएचसी ने बनाई। अच्छा, ये आपको हैंड ओवर नहीं कर? अभी हैंड ओवर नहीं, अभी उनका काम ही अधूरा है, वो काम पूरा किए। विद्युत पैनल का बिल आप भर रहे हैं कि पीएचसी भर रहे हैं? अभी हम लोगों ने भी नहीं भरा, लेकिन जो है कि वो बिल हमारा जो राशि मिलना थी वो उन्होंने वहीं के वहीं काट लिया, पंचायत फंड से काट, पंचायत के फंड से काट लिया, तो उसके विषय में भी हमने लेटर लिखा कि अभी ठेकेदार के उनको देना चाहिए ये बिल, तो ये हमारा क्यों काटा? भविष्य के लिए क्या योजना है? जो बारिश आ रही है, बारिश के लिए क्या करना चाहते हैं आप गाँव में, इसके लिए आप कार्य योजना बना रहे हैं? जल निकासी ऐसी कहीं भराव की जगह नहीं है हमारे यहाँ, पानी भरा है, ध्यान ध्यान है वहाँ, निचली बस्तियों में पानी भरा है नहीं, निचली बस्ती है नहीं यहाँ। स्कूल के पास ही कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पानी भर जाता पूरे घरों के अंदर, और सरपंच साहब और लोग मतलब काम पानी निकलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, इसका पानी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं अपने घर में पाइपलाइन लगाने की बात करी, पानी आ जाए इधर से अपने ही खिड़की में से अंदर आ जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे पंचायत की व्यवस्था कर सकती है कि भाई पाइप लाइन डलवा के ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, ड्रेनेज की कई जगह ढक्कन खुले हुए पड़े हैं, लगे नहीं है, हमारी बात आज का बोला था आज मैं आता हूँ देखता हूँ सीवेज हो रहा है पानी को, ठेकेदार को साथ लेके आता हूँ, अभी तक नहीं यहाँ ठेकेदार ना हम पंचायत को हैंड ओवर कर रहे हैं, फिर पंचायत को हैंड ओवर हो जाएगी उसके हम कंप्लीट कराकर पंचायत से चल पाएंगे। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।